नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता शरद यादव आज अपने दिल्ली स्थित सरकारी आवास को खाली कर रहे हैं। बता दें कि इस समय दिल्ली स्थित जो उनका सरकारी बंगला है 7 तुगलक रोड, उसी आवास के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर लगभग पिछले 24 सालों से शरद यादव जब से केंद्र में वाजपेयी सरकार में मंत्री थे तब से ही लगातार वो इसी बंगले में रह रहे हैं और लगातार चाहे वो लोकसभा के सांसद हो, राज्यसभा के सांसद हो, हर कार्यकाल में जो है यही बंगला उनको अलॉट किया जाता था। बता दें कि पिछले दिनों जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक आदेश आरजेडी नेता शरद यादव को दिल्ली का सरकारी बंगला खाली करने के लिए 31 मई तक का समय दिया गया था। आज उसकी मियाद पूरी हो रही है। ऐसे में शरद यादव आज सपरिवार सहित इस बंगले को खाली कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें 30 मार्च तक घर खाली करने को कहा था। शरद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था, जिसके बाद से 2 महीने की अवधि उनको बढ़ा दी गई थी। कोर्ट ने मानवीय आधार पर उन्हें 2 महीने की मोहलत दी थी। हालांकि कोर्ट ने उनसे यह लिखित हलफनामा भी मांगा था कि वो 31 मई तक सरकारी आवास को खाली कर देंगे। बता दें कि साल 2017 में JDU से सांसद रहते हुए शरद यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण राज्यसभा की सदस्यता अयोग्य ठहरा दिया गया था। तब से अब तक शरद यादव हाईकोर्ट के एक अंतरिम आदेश के सहारे केंद्रीय मंत्री को मिलने वाले बंगले 7 तुगलक रोड में रह रहे थे। हाईकोर्ट ने 15 मार्च को अपना अंतरिम आदेश वापस ले लिया। अपने नए आदेश में हाईकोर्ट ने शरद यादव को 15 दिन में मकान खाली करने का भी आदेश दिया था। बता दें कि शरद यादव लगातार 1998 से इस बंगले में रह रहे थे और अब उनको आदेश आया है कि इस बंगले को खाली कर दिया जाए। बता दें कि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को ये बंगला अलॉट किया गया था, जिसके बाद से जो समय ज़्यादा लग रहा था इसलिए उन्होंने भी इस बंगले को लेने से मना कर दिया था। बता दें कि शरद यादव हाल ही में अपनी पार्टी जो लोकतांत्रिक जनता दल है उनको अपनी पार्टी आरजेडी में विलय कराई थी। कयास ये लगाया जा रहा था कि आरजेडी में विलय कराने से उनको एक बार फिर से लालू यादव की पार्टी से राज्यसभा भेजा जा सकता है, जिसके बाद से हो सके तो ये बंगला बच भी सकता है। लेकिन आरजेडी ने अपने दोनों प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया। ना ही उसमें शरद यादव को आरजेडी से टिकट मिल पाया, ना ही उनकी बेटी जय सुभाषिनी यादव की कांग्रेस पार्टी है उससे भी उनको टिकट नहीं मिल पाया। हालात यह है कि आज 31 मई को वह अपने जो 7 तुगलक रोड आवास है उसको खाली कर रहा है। बता दें कि आवास खाली करने के बाद 5 बजे शाम को शरद यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करेंगे, जिसमें अपने बंगले से लेकर जो अपनी राजनीतिक गतिविधि रही है इस बंगले पर उस तमाम स्थिति को यहाँ पर स्पष्ट करते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल इस बंगले से जुड़ी जो कुछ भी अपडेट होगा न्यूज़ फाउंडेशन अब तक लगातार पहुँचाता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो कर। शुक्रिया।